वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम। थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम के बाद हम इसमें एक्चुअल बल्ब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। ये जो डायग्राम है ये पढ़ रहा है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। तो सबसे पहले हम थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम जो होता है, जो कि आप डायग्राम देख रहे हो, इस टाइप से होता है। जो टॉप का हिस्सा होता है ये टी डी सी हेड को होता है, जिसको टॉप डीड सेंटर बोलते हैं। बॉटम में होता है एक बी डी सी होता है, जिसको हम बॉटम डीड सेंटर बोलते हैं। इसको टी डी सी से बी डी सी के लिए एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, डॉटेड लाइन। वर्टिकल डॉटेड लाइन के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इनलेट बॉल्व ओपन होता है। इनलेट बॉल्व ओपन होने के बाद यहाँ पर इनलेट बॉल्व क्लोज हो जाता है। जो इसमें जो स्ट्रोक होता है उस स्ट्रोक को हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। इनलेट बॉल्व ओपन और इनलेट बॉल्व क्लोज तक जो स्ट्रोक होता है इसमें सक्शन स्ट्रोक होता है। इसमें जो फ्यूल होता है, एयर फ्यूल होता है, वो सक्ड होकर के सिलेंडर के अंदर आता है। इनलेट बॉल्व क्लोज के बाद यहाँ पर जो होता है इग्निशन होता है। इग्निशन तक के लिए जो स्ट्रोक लगता है इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। ये कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है। इसमें जो एयर फ्यूल का मिक्स होता है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। इग्निशन के बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन तक एक सर्किल बनाते हैं, जिसमें हम यहाँ पर एक्सपांसन होता है, मतलब वर्किंग स्ट्रोक लगता है। वर्किंग स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से लेकर के एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज तक हम इसमें लाते हैं। और इसमें क्या होता है, लास्ट जो स्टेज होती है वो क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। ये जो होता है चार स्ट्रोक इसमें लगते हैं। इनलेट वाल्व ओपन से लेकर के इनलेट वाल्व क्लोज तक इसमें सक्शन स्ट्रोक होता है। इनलेट वाल्व क्लोज से इग्निशन तक जो होता है इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। इग्निशन से लेकर के एग्जॉस्ट वाल्व ओपन तक होता है इसमें एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से लेकर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज तक होता है इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। चार स्ट्रोक इसमें आते हैं। ये टीडीसी होता है और ये बीडीसी होता है। ये जो डायग्राम बनता है ये डायग्राम कहलाता है थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम। थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से स्ट्रोक ऐसा बना देते हैं। इसमें स्ट्रोक सक्शन लगता है और इससे हम लाते हैं यहाँ के लिए, इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। और इस पॉइंट से यहाँ के लिए लाते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और इसमें जो लास्ट में होता है इसमें एग्जॉस्ट होता है। ये जो स्ट्रोक का डायग्राम बनता है ये बनता है थ्योरिटिकल बल्ब टाइमिंग डायग्राम। अब हम जानेंगे इसमें एक्चुअल बल्ब टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है उसको। ये जो डायग्राम आप देख रहे होंगे ये है एक्चुअल बल्ब टाइमिंग डायग्राम है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें टीडीसी और एक बीडीसी लाइन लेते हैं। इसको हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इसमें एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर 20 डिग्री की एक लाइन खींचते हैं, जिसमें इनलेट वाल्व ओपन होती है। इसमें 20 डिग्री का एंगल होता है वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड के लिए। और इनलेट वाल्व ओपन से लेकर के यहाँ जो होता है हॉरिजॉन्टल में इनलेट वाल्व क्लोज तक यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मिला करके इस सर्कल से लेकर के यहाँ एक सर्कल बना देते हैं, जिसमें जो पोजिशन होती है वो सक्शन स्ट्रोक होती है। सक्शन स्ट्रोक के बाद यहाँ से पोजीशन से इनलेट वाल्व क्लोज से 35 डिग्री में टॉप के 35 डिग्री के लिए जो होता है यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को दोनों को आपस में यहाँ पर मिला देते हैं। इस पॉइंट को मिलाएंगे, वो एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद इसके बाद इस पॉइंट से लेकर के ये 35 से लेकर के बॉटम के 35 डिग्री का एंगल जो होता है यहाँ पर लेकर के यहाँ से हम इसको इस टाइप से इसमें मिला देते हैं। इसमें जो स्ट्रोक होता है ये एक्सपांसन स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से लेकर के यहाँ पर जो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है यहाँ तक हम लेते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ से हम इसको इस टाइप से मिला देते हैं। इसमें जो स्ट्रोक होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये जो डायग्राम बनता है ये एक्चुअल बल्ब टाइमिंग डायग्राम बनता है। यहाँ 10 डिग्री का रहता है इसमें एंगल जो पोजीशन रहती है इसमें 10 डिग्री का रहता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं यहाँ से सेंटर पॉइंट से एक 20 डिग्री के एंगल पर इनलेट वाल्व ओपन और यहाँ पर एक 35 डिग्री पर एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व क्लोज, ये पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को एक मीट करते हैं, जिसमें हम सक्शन स्ट्रोक होता है। इसके बाद यहाँ से हम
यहाँ के लिए लेते हैं जो कि इसमें 35 डिग्री लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो होता है स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। यहाँ से जब हम यहाँ के लिए आते हैं एग्जॉस्ट वाल्व ओपन के लिए, तो इसमें एक्सपेंशन वाल्व स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से लेकर के एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज तक आते हैं इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इसको हम नाम देखें अगर पॉइंट को, तो सबसे पहले वन कंडीशन होती है ये, तो यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ टू कंडीशन होती है, इसके बाद यहाँ पर थ्री कंडीशन होती है, यहाँ पर फोर कंडीशन होती है और यहाँ पर फाइव कंडीशन होती है। सो वन से लेकर टू के लिए, वन से लेकर टू के लिए ये आएगा, टू से लेकर थ्री के लिए ये आएगा, वन से स्टार्ट होगा टू के लिए, टू से स्टार्ट होगा थ्री के लिए, थ्री से आएगा यहाँ पर फोर के लिए, फोर से आएगा यहाँ पर फाइव के लिए, लास्ट में एग्जिट वाल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये जो डायग्राम बनता है ये होता है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम इस टाइप से बनेगा, TDC और ये BDC। इसमें जो होता है सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट आएगा 20 डिग्री, इनलेट वाल्व ओपन होगी, इसके बाद यहाँ से 35 डिग्री और यहाँ पर इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगी, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ के बाद ऊपर जो 35 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर हमारे पास कौन सा थर्ड नंबर का पॉइंट आ जाएगा, टू से थ्री के लिए कंप्रेशन होगा, और थ्री से लेकर के जो यहाँ का 35 डिग्री है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा। फोर्थ से लेकर के फाइव जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, एग्जॉट वाल्व क्लोज हो जाता है और यहाँ पर जो स्ट्रोक होता है वो एग्जॉट स्ट्रोक होता है। ये जो डायग्राम बनता है ये होता है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए।